नेपाल की वन में प्यारी पड़ी रह गई, तिरसी ने पटाके श्रपण गिर पड़ा। गिरती आंसुआ की लड़ी रह गई, सरबर कुमार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी, हे माताजी, अब हम तुम्हें जल पिलाने के लायक नहीं हैं, अब हम तुम्हारी सेवा करने के लायक नहीं रहे, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने सरबर कुमार का सर अपनी गोद में रख लिया है, वो भी सोच रहे हैं ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सरवण कुमार ने कहा, अरे भाग्य दशरथ, तुम तो रिश्ते में हमारे मामा लगते हो, और मामा का ये फर्ज नहीं होता है कि भानेज पर शस्त्र उठाना, भानेज तो एक पूजनीय होता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया है। और रोकर के सरवर कुमार कहने लगे, पे पिताजी माफ कर देना माता पिताजी मुझे, हाय पानी भी तुमको पिला ना सका, पानी भी तुमको पिला ना सका, मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण किया। अब जो है मैं दुनिया से जा रहा हूं पिताजी, मैं तुम्हारी सेवा के लायक नहीं हूं, लेकिन अब आगे दशरथ तू एक काम करना, मैं तो जा रहा हूं, मेरे मां बाप उस वृक्ष के नीचे बेचारे एक पानी के लिए तरस रहे, बूंद के लिए तरस रहे, तू जा मेरे पिताजी को जाके माता जी को जल पान करा दे, मेरे बारे में पहले मत बताना, अगर मेरे बारे में तूने बता दिया तो समझ लेना मेरे मां बाप जल पान नहीं करेंगे, वो सर पटक पटक के अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, इसलिए मेरे बारे में पहले मत बताना, पहले जल पान करा देना। और कहा, अब हमसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, ये बाण मेरे सीने से निकाल दो। और जैसे ही आज दशरथ जी महाराज ने सीने से बाण निकाला, सरवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए, खत्म हो गए। मन तुम्हारे ही चरणों में अर्पण किया, लाश सरयू किनारे पड़ी रह गई, सीने पे खा के श्रवण गिर पड़ा।
उसके प्राण निकल गए। दशरथ जी महाराज ने वो जल का पात्र हाथ में ले लिया, लेकर के चल पड़े। अंधी अंधा के पास पहुंचे हैं। अंधी अंधा बेचारे इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा अभी नहीं आया। लेकिन जब दशरथ के पैरों की छटपट जब सुनी, अंधी अंधा ने सोचा मुझे लग रहा है कि मेरा पुत्र अब आ रहा है। आवाज लगाई, बेटा सरवण, सरवण, सरवण होता तो बोलता। सरवण ने पहले मना कर दिया था कि बोलना मत, और जब दशरथ जी ने आवाज नहीं दी तो अंधी अंधा कहने लगे, मुझे लग रहा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं, छलिया है तू, सच बता दे खड़ा किस लिए मौन है। तब कहा दशरथ जी महाराज ने, मर गया है श्रवण मेरे बाण से, मर गया है श्रवण मेरे बाण से, कंठ से बात आधी रुकी रह गई, तिरसी दीप था के श्रवण गिर पड़ा। श्रवण गिर पड़ा, मेरे भक्त प्रेमियों,